थैंक यू फॉर कमिंग, इतनी सॉलिड पिक्चर है भाई साहब कि इस पिक्चर के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन और आना चाहिए और उसमें बड़ा बड़ा लिख के आना चाहिए सॉरी फॉर कमिंग। लोग पिक्चर देखने के बाद रिफंड मांगते हैं, मैं तो इस पिक्चर को देखने के बाद मुआवजा मांगना चाहता हूँ भाई बाप, क्योंकि पिक्चर में इतनी जंपर कॉमेडी है, इतनी गजब कॉमेडी है, इतनी बवाल कॉमेडी है कि इस पिक्चर को इजिली थ्रिलर भी घोषित किया जा सकता था। मुझे तो भाई साहब एक मिनट भी हंसी नहीं आई, लेकिन मेरी बीवी पूरे समय हंस रही थी हम दोनों के ऊपर। पूरी पिक्चर मैंने देखी एंड आई कैन सेफली से दैट मेरे हिसाब से पिक्चर का बेस्ट पार्ट था पिक्चर का इंटरवल। मैंने कहा चलो बढ़िया, अब मैं भी थोड़ा हग लेता हूँ। सबरे मिशन रानीगंज देखने के बाद, उसका रिव्यू करने के बाद, शाम को मैं गया फोर मोर शॉर्ट्स का नया सीजन यानी कि थैंक यू फॉर कमिंग देखने के लिए। और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों, बिकॉज आई एम ज़ैन एंड यू आर वॉचिंग। देखा जाए टेक्निकली तो चिक फ्लिक्स जॉनरा ही है जो यंग गर्ल्स को एंटरटेन करने के लिए बनाया जाता है। अब ऐसी पिक्चर को अगर 30-32 साल के घोड़े देखने जाएंगे तो वो तो पक्के ही बाहर आएंगे ना। बट वॉट इज सैड इज कि समहाउ इंडिया में चिक फ्लिक्स एक ही जैसी बार बार बनती चली आ रही हैं, वही सेम थीम्स, वही सेम टॉपिक्स, वही सिमिलर ट्रीटमेंट। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ कि आप पिक्चर देखने से पहले ही जान जाते हो कि पिक्चर क्या होने वाली है। मेरे बहुत से अनपढ़ दोस्त यही कह रहे थे ना कि अब तो फोर मोर शॉट्स देखने जा रहा है भाई साहब, घर में ही देख लो उसको। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट तब भी तुम्हारा भाई गया देखने के लिए, सालों तुम्हारे लिए करता हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। मैं तो पिक्चर देखने गया, बाहर एक लड़का मिल गया, कहता जैन भाई आपने तो मिशन रानीगंज देख लिया, उसका रिव्यू भी डाल दिया, अब यहाँ क्या करने आया। मैंने कहा मैं तेरे को क्या बताऊँ मेरे भाई, मैं थैंक यू फॉर कमिंग देखने आया हूँ। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए भाई, उसने मुझे गले लगा लिया। खैर मैंने देखी थैंक यू फॉर कमिंग और पिक्चर मुझे कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, क्यों ऐसा लगता है, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट गाइज ये है कि इसकी माँ का क्या था प्लॉट, हाँ याद आया। फिल्म का प्लॉट ये है कि दिल्ली में कांडू कनिका नाम की एक लड़की है, कांडू कनिका। अब वो क्या करती है क्या नहीं करती ये सब पे टाइम वेस्ट नहीं करा है, हाँ ये जरूर दिखाया है भाई साहब कि वो सेक्स करती है, लेकिन बट किंतु परंतु उनको ऑर्गेजम नहीं हो पा रहा है। ये प्लॉट जब गर्ल्स के साथ होता है तो चिक फ्लिक्स बोल के थिएटर में देखते हैं, जब बॉयज के साथ होता है तो उसे छिछोरपंती कह के उल्लू पे देखते हैं। खैर वो और समय इसी जुगाड़ में रहती है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत ऑर्गेजम मिल जाए, और अपनी ये दिक्कत बता देती है अपने दोस्तों को। मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम गर्ल्स ये डिस्कस तो कर सकती है अपने दोस्तों के साथ, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता। मेरे एक दोस्त ने 4th क्लास में अपने स्कूल की पैंट में पॉटी कर दी थी, 32 साल का हो गया वो, आज भी हम कहीं बाहर जा रहे होते ना तो मैं चढ़ाता हूँ, हाँ भाई टट्टी कर ले फिर ही चलेंगे, कभी पैंट में निकल जाए तो। खैर एक दिन भाई साहब वो शराब पी लेती बहुत भयंकर, एकदम ऐसे झाई हो जाते, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। हाँ एक चीज़ याद रहती, कल रात को ऑर्गेजम हुआ था, अब ये नहीं याद रहता कि किसके साथ हुआ था, किसने करवाया था वो ऑर्गेजम। और अब इनकी सारी की सारी दोस्तें निकल जाती हैं इस क्वेश्चन में कि भूमि को जो ऑर्गेजम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। गजब क्या सॉलिड प्लॉट है, शाबाश। देखो प्लॉट की गाइस अगर मैं बात करूं जोक से हट के, तो मैं हमेशा कहता हूं दैट इफ अ फिल्म्स प्लॉट कैन बी रिजॉल्व विद एन ऑनेस्ट अर्नेस्ट सिंपल कॉन्वर्सेशन देन द प्लॉट इटसेल्फ इज वेरी 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 फ्रजाइल। और यहां पे तो और ज्यादा यार, इनकी मम्मी एक सिंगल मदर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, और ऐसा नहीं कि उनके पति खर्च हो गए या उन्हें छोड़ के कहीं चले गए, इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कांडू कनिका की मम्मी ने कांडू कनिका को 3rd क्लास में बता दिया था कि बच्चे आसमान से नहीं आते, लड़का लड़की सेक्स करते हैं इसके बाद पैदा होते हैं। और ऐसे परिवार में भी वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पा रही है। एक तो हम जैसे परिवार होते हैं भाई साहब, हम कभी खुदा ना खास्ता अपने पापा को बोलते पापा ऑर्गेजम नहीं हो पा रहा है, पापा मुंह इतने बजाएंगे ना कि अपना तो छोड़ो चप्पल का ऑर्गेजम जरूर हो जाएगा। सेकेंडली 21st सेंचुरी भाई साहब, तुम दिल्ली में पढ़ी लिखी लड़की हो, डिस्कस इट विद योर पार्टनर ना, बताओ ना उसे ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। भाई साहब वो 32 साल की हो गई और उनके दोस्त उन्हें सेक्स टॉयज ला के दे रहे हैं, एक ऐसी लड़की को जो कि पढ़ी लिखी है, समझदार है और कई सालों से तकलीफ से जूझ रही है। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, दिन भर फेसबुक पर म्यूज़ के ऐड चल रहे होते हैं, तुम्हें नहीं पता चला। मतलब ये कैसा फ्रेजाइल प्लॉट है यार। आई अंडरस्टैंड द फिल्म ट्राइज टू टॉक अबाउट सेक्स पॉजिटिविटी, लेकिन जो पूरा का पूरा सेटअप है इसमें सेक्स पॉजिटिविटी ऑलरेडी भरी हुई है। ऐसे सेटअप में इंसान सेक्स नहीं डिस्कस करेगा तो कहां करेगा भाई। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ यू आर गोइंग टू आगरा एंड सेइंग पेठा नहीं दिख रहा कहीं, दिल्ली आ जाते हो एंड सेइंग मोमोज नहीं दिख रहे कहीं। ना तो स्मैश पेट्रियार्की हो रहा कहीं पिक्चर के अंदर, ना जो है सेक्स पॉजिटिविटी की कोई एक्चुअल बात हो रही है। पूरा का पूरा प्लॉट एंड में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन रिजॉल्व हो जाता है, जो कॉन्वर्जेशन 14-15 साल पहले भी हो सकती थी। दैट इज वाई आई से कि फिल्म का प्लॉट इटसेल्फ बहुत फ्रेजाइल है। इंग्लिश पॉइंट नंबर 2, द कैरेक्टर्स एंड द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में भूमि पेडनेकर जो इस बार प्लेन गर्ल बनी है, स्मॉल टाउन गर्ल नहीं बनी वो,
लाइक आई सेड, अपनी लाइफ में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके लाइक्स डिसलाइक्स कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा गया है। हाँ, बस इतना दिखाया गया कि बचपन से वो ठंडी कहलाई गई हैं, कभी कांडू कनिका कहलाई गई हैं, जो कि लाइफ में कांड करती हैं, ऑर्गेजम नहीं कर पाती। पहले स्कूल में थी, अब 32 साल की हो गई हैं, बीच में कोई भी कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है, बट थैंकफुली भूमि पेडनेकर को फाइनली स्मॉल टाउन गर्ल के शील्ड से मोल्ड के बाहर का भी रोल मिला, एंड आई थिंक शी इज डन अ डिसेंट जॉब विद वॉट एवर रोल शी वॉज गिवन। उनके दो दोस्त हैं डॉली सिंह और शिबानी बेदी। डॉली सिंह का तो क्लियर है, स्कूल टाइम से उनकी दोस्त है और आज भी 25 साल बाद उनकी दोस्त बनी हुई है। डॉली सिंह की शादी हो चुकी है। शिबानी बेदी का मुझे समझ में नहीं आया, शिबानी बेदी भी उनकी दोस्त है लेकिन वो दोस्त कैसे बनी ये नहीं बताया गया। हाँ, एकदम से ये पता चल गया उनकी 16-17 साल की लड़की है। मैंने कहा माना भाई साहब, माना कि मेरी मैथ में डब्बा गोल है, मैं 70+39 भी कैलकुलेटर पे करता हूँ, लेकिन ये मैथ तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रही है भाई। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनकी दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन भाई 20-30 सेकंड लगा के बता दो कहाँ मिले, कब मिले, कैसे हुई दोस्ती। अच्छा भला तीनों एक उम्र की दिख रही हो तो सडनली 16-17 साल की उनकी बच्ची आ जाती। मैंने कहा ये मैं मेरे को झपकी आ गई थी, अब दिखाया नहीं है इसमें। इसके अलावा फिल्म में कुशा कपिला भी हैं, वो गाइस इस पिक्चर के अंदर क्लिक बेट बनी है। उनको टोटल 2.5 सीन और आधे गाने के लिए इस पिक्चर में रखा गया है। उनके फैंस बेचारे उनको देखने के लिए थिएटर में गए और वहां जाके अपना सर पीट रहे, कह रहे इससे ज्यादा तो हम कुशा कपिला को सिद्धार्थ बत्रा की स्टोरी में देख लेते। मैं तो कुशा कपिला से एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहन क्या मजबूरी थी? अच्छा बोला तुम्हारा करियर चल रहा है, काहे को 2.5 सीन के लिए इतनी मेहनत करने के लिए आ गई आप? देखिए, हालांकि इस पिक्चर के असली विलन तो इस पिक्चर के राइटर्स हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन कुशा कपिला पिक्चर की विलन बनी, वो भी क्यों, क्योंकि कांडू कनिका को वो ताने मारती हैं और ताने मारने के बावजूद भी कांडू कनिका अपने रोके पे उन्हें बुला लेती हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियरली ऐसा पता चल रहा था दैट द कैरेक्टर वॉज रिटन आउट टू बी अ मच लॉन्गर मच मोर इलेबोरेट कैरेक्टर, लेकिन समाओ कहीं से कटिंग हो गई और सिर्फ 2.5-3 सीन के लिए कुशा कपिला को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके अंदर फिल्म के अंदर सुशांत दिग्विकर हैं, जो कि भूमि पेडनेकर के बॉयफ्रेंड बने हैं। अनिल कपूर है, वो भी भूमि पेडनेकर के बॉयफ्रेंड बने हैं। करण कुंद्रा है, वो गाइस वो बॉयफ्रेंड बन नहीं पाए, इतने से रह गए बस, वो भी वरना बॉयफ्रेंड बन जाते। इसके अलावा फिल्म में शहनाज गिल, वो गाइस शहनाज गिल बनी हुई है। 2-3 सीन के लिए आती है वो, एक दफा आती है अनिल कपूर के साथ, एक दफा आती है करण कुंद्रा के साथ, उसके बाद छू मंदर रफा चक्कर हो जाती है। मैंने कहा भाई साहब ये शहनाज गिल है मेरी खुशियां, 2 दिन के लिए आई उसके बाद कहां गायब हो गई पता ही नहीं चला। इसके अलावा डॉली आलूवालिया भी पिक्चर के अंदर, और मुझे ऐसा लगता कि पूरा सोच समझ के ये बनाया गया है भाई साहब कि राइटिंग पे क्या खर्चा करना, कुछ टिकट तो भूमि पेडनेकर के फैंस ले लेंगे, कुछ कुशा के, कुछ शिवानी के, कुछ डॉली के, कुछ जो है सुशांत के फैन ले लेंगे, शहनाज के फैन ले लेंगे, हो गया पैसे वसूल, बाढ़ की हट्टी लगी बाकी दुनिया। स्मार्ट परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो डॉली सिंह एंड शिबानी बेदी आर द बेस्ट। उसमें भी शिबानी स्टैंड्स आउट बिकॉज शी इज डन अ वेरी रियल कैरेक्टर एंड लुक्स लाइक अ रियल वुमन, एंड आई होप शी हैज अ मच लॉन्गर एंड मोर इलेबरेट करियर इन द फ्यूचर एज वेल। डॉली आलू वाली ऑफकोर्स कुछ ही सीन के लिए आती है लेकिन उनमें भी स्टैंड आउट करके जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, राइटिंग गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि पिक्चर अगर ड्रामा पिक्चर होती तो पिक्चर बहुत सही होती, क्योंकि कॉमेडी तो 1 रुपए की पिक्चर के अंदर नहीं है। मुझे पिक्चर के अंदर सबसे फनी लाइन ये लगी कि कांडू कनिका की मम्मी कांडू कनिका को ये बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे पापा से शादी कर लेती तो हमारा सरनेम भी हमारे स्टेटस की तरह होता, सिंगल। तेरी माँ का। इसके अलावा एक और बहुत जामफाड़ लाइन है इस पिक्चर के अंदर, भूमि पेडनेकर नानी से कहते हैं नानी जी आपने मेरा GST नहीं भरा, नानी पलट के कह देती है GST भरने से क्या होगा, मांग भरो मांग। इसकी माँ का। फिल्म का डायरेक्शन बेटर था एंड आई फील लाइक कि फिल्म में राइटिंग पर थोड़ी सी और तवज्जो एम्फेसिस दी जा सकती थी तो फिल्म थोड़ी सी और बेहतर बन जाती। लेकिन अफसोस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही फिल्म के अंदर की कॉमेडी है। समटाइम्स आई फील कि हर इंसान को अलग अलग चीज़ों पर हंसी आती है, मुझे नहीं हंसी आ रही, शायद मैं अपनी बीवी को देख लूँ हंसते हुए, हंस तो वो भी रही थी लेकिन अपने ऊपर ही हंस रही थी कि मैं क्यों आई हूँ। हैविंग सेड दैट, एक ग्रुप था 20-22 साल की लड़कियों का, वो खिलखिला कर पिक्चर के अंदर हंस रही थी। इंटरवल मुझे पता चला वो आपस में एक दूसरे को जोक मार के हंस रही है कि जीवन ने तो जीवन खराब कर दिया। मैंने कहा समझ में आ रहा तुम्हें, अच्छी लग रही पिक्चर। बट टू बी ऑनेस्ट मे बी द फिल्म इज नॉट इवन टारगेटेड एट पीपल लाइक अस, इट इज टारगेटेड फॉर यंग टीनेज गर्ल्स, जिनके लिए शायद ये फिल्म थोड़ी सी फनी हो सकती है, बिकॉज एक बैच था लड़कियों का थिएटर के अंदर जो कि एक्चुअली बहुत खिलखिला कर हंस रहा था, एंड आई वाज सो ग्लैड बिकॉज एटलीस्ट उनके हिसाब से भी एक अच्छी कॉमेडी पिक्चर बन रही है। हु मे ऑफन फील लेफ्ट आउट इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड गेटिंग फिल्म्स दैट आर एक्चुअली टेलर मेड फॉर देम। पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्शन क्वालिटी। ये तो ऑब्वियस है भाई साहब, ऐसी पिक्चर में प्रोडक्शन क्वालिटी तो बढ़िया होगी, क्योंकि ये सब बातें जब तक बढ़िया लाउंज क्लब में हो रही तभी बढ़िया लगती हैं। अच्छा थोड़ी लगता है ओपन जिम में भूमि पेडनेकर डिस्कस कर रही है और गैजम नहीं हो रहा।
बट जो पार्ट गाइस द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द फिल्म इज एक्चुअली वेरी नाइस. कुछ कुछ जगह पर डायरेक्शन बहुत अच्छा निकल कर आता है और देख के लगता है कि यार बहुत सही सीन्स बिल्ड हो रहे हैं. इट इज जस्ट द लैक ऑफ द फिल्म्स राइटिंग एंड इट्स कन्विक्शन दैट ड्रॉज यू बैक. पिक्चर में अगर राइटिंग अच्छी हो जाए तो डायरेक्शन प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़िया ही थी. पॉइंट नंबर 5 गाइस मेरे पास कुछ है नहीं, मैं चार ही पॉइंट पे से रेटिंग करना चाहता हूं और एंड में इस पिक्चर को मैं देना चाहता हूं 1 star out of 5. वो भी इसलिए कि एक बढ़िया स्टार कास्ट को कलेक्ट कर लिया है और एक नए तरीके की पिक्चर बनाने को अटेम्प्ट करा है, विच मे नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी एज अ रिव्यूअर एंड एज अ व्यूअर, बट आई कैन बी वेरी श्योर दैट फॉर अ सर्टन बैच एंड फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस दिस फिल्म डेफिनेटली वर्क्स, जो कि मैंने कल 8 बजे के शो में भी देख लिया. बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती हैं इस तरह की फिल्में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे ऐसे चैनल को ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और भी लाता रहूं. अगर आप चाहते हैं कि मैं दी एग्जॉस्टिस का भी रिव्यू करूं तो कमेंट में लिखिए दी एग्जॉस्टिस, और आप चाहते हैं कि मैं देश के धोनी का रिव्यू करूं तो वो भी लिखिए देश का धोनी रिव्यू. बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और अब मैं पीऊंगा चाय.